देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास क्या है, जेड वन जेड टू जेड थ्री तीन कोऑर्डिनेट गिवन है, फोर्थ कोऑर्डिनेट को मैंने जेड अपनी तरफ से सपोज कर लिया। इस तरह डब्ल्यू प्लेन में हमारे पास थ्री कोऑर्डिनेट्स गिवन है, फिर फोर्थ उसको हमने कोऑर्डिनेट को अपनी तरफ से मान लिया। अब फॉर्मूला कैसे चलता है, डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू, नेक्स्ट होगा डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू थ्री, फिर होगा डब्ल्यू थ्री माइनस डब्ल्यू फोर, ऊपर जाएगा फिर डब्ल्यू फोर माइनस डब्ल्यू वन। इस तरह यहाँ पे जेड वन माइनस जेड टू, जेड टू माइनस जेड थ्री, जेड थ्री माइनस जेड फोर और जेड फोर माइनस जेड वन। फिर मैंने क्या किया, जो वैल्यूज थी उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया, डब्ल्यू वन की, डब्ल्यू टू की, डब्ल्यू थ्री की, डब्ल्यू फोर की। इस तरह जेड वन जेड टू जेड थ्री जेड फोर की। अब देखो यहाँ से हमने क्या किया, माइनस वन माइनस डब्ल्यू में से माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर सारे प्लस के हो गए। सिमिलरली यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लेती हूँ तो यहाँ पे जेड प्लस टू हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी। फिर मैंने क्या किया, वन प्लस आइटा बाय वन माइनस आइटा को रैशनलाइज कर लिया। रैशनलाइज कैसे करते हैं, जो नीचे साइन होता है उसे अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और जो ऐड, सेम यहाँ पे सेम यहाँ पे। ऊपर देखो वन प्लस आइटा के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हो गई, और नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। सिमिलरली यहाँ पे जब हम इनको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे स्टेप पे आ जाएगा, फिर हम आयटा को इधर डिवाइड में ले आएंगे। फिर हमें पता है कि अगर हमारे पास मेजरी पार्ट नीचे है तो हम उसको रैशनलाइज करते हैं, तो मैंने इसको रैशनलाइज कर दिया। फिर मैंने इसकी थ्री प्लस फोर आयटा की फाइव आयटा से मल्टीप्लाई करा दी, नीचे के आ गया माइनस के ट्वेंटी फाइव। मैंने इसको क्योंकि ट्वेंटी फाइव इसके नीचे भी इसके दोनों के नीचे लाने से ये वाली चीज़ हमारे पास आ जाती है। अब देखो कंपोनेंट और डिवाइडेंडो का रूल लगता है, ए बाय सी बी बाय डी हो तो हमारे पास जो नीचे वाला था ऊपर वाले में ऐड हो जाता है, ऊपर वाले में ही सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ये वाला रूल है। ठीक है, तो मैंने इस स्टेप को ही आगे सोल्व किया हुआ है कि हमारे पास w माइनस वन डब्ल्यू प्लस वन। हमने ये क्यों किया, क्योंकि मुझे सिंपल w की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से जब मैं इसको ऐड करती हूँ तो माइनस वन से वन कैंसिल हो जाएगा तो टू डब्ल्यू बाय माइनस टू आ जाएगा, टू से टू कैंसिल, यहाँ हो गया माइनस w। जब मैं इस चीज़ को सोल्व करती हूँ तो मेरे पास ये चीज़ आएगी, फोर जेड और फाइव जेड, यहाँ पे नाइन जेड हो जाएगा, ये थ्री आइटा जेड है, माइनस एट प्लस टेन टू हो जाएगा, प्लस का सिक्स आइटा। सिमिलरली फोर जेड माइनस फाइव जेड माइनस जेड हो गया, ये थ्री आइटा जेड है जी, ठीक। माइनस टेन माइनस एट कितना हो गया, माइनस एटीन प्लस सिक्स आइटा। फिर हमने क्या किया, आप देखो नाइन जेड और थ्री आइटा जेड में से थ्री जेड कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या गया, थ्री माइनस आइटा। सिमिलरली यहाँ से देखो अगर मैं टू आइटा कॉमन लेती हूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ थ्री बचेगा और माइनस का आइटा, क्योंकि अगर हमें पता है टू आइटा की आइटा से मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस का टू, लेकिन है क्या, प्लस का, इसलिए यहाँ पे माइनस लगाया हुआ आगे। सिमिलरली नीचे वाले में से क्या किया, माइनस आइटा जेड कॉमन ले लिया, अंदर क्या गया, थ्री माइनस आइटा, यहाँ से माइनस सिक्स। ये चीज़ हमने क्यों किया, ताकि थ्री माइनस आइटा ऊपर डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में से हमारे पास कॉमन आ जाए, क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो आगे डब्ल्यू की वैल्यू भी देख लेना, एग्जाम्पल में शायद माइनस का चेंज आ रहा है, कोई मिस्टेक है तो देख लेना।